नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इम्पॉर्टेंट न्यूज। जो कोई भी एनटीए वीजीसी नेट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेंट होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल हम रात के क्लास में आप लोगों को लाइव क्लास में बताया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स लिखें, जल्दी से एनटीए वीजीसी नेट की एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन निकलने वाली है और कल रात को ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यानी कि 30 अप्रैल से लेकर जो है, ठीक है, मई के कुछ तिथि दिया हुआ है, उसको देखेंगे कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन भी कब होगा। क्या जून 2022 में एग्जामिनेशन होंगे या जुलाई या अगस्त, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। चलिए, हम लोग जो है एनटीए वीजीसी नेट की वेबसाइट में चलते हैं। एनटीए वीजीसी नेट लिखेंगे तो इस तरह से आपका जो है सबसे पहला वाला जो है उसको क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, पब्लिक नोटिस 13 अप्रैल 2022, ओपनिंग द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वीजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022। यानी कि दिसंबर 2021 का एग्जामिनेशन और जून 2022 का जो एग्जामिनेशन है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एंड ग्लैंस भी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया हुआ है। इन सब को थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिएगा, कैंडिडेट एक्टिविटीज रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वीजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज। ये आपका जो है कैंडिडेट एक्टिविटी, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका जो है, रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन। पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पहले हम देख लेते हैं पब्लिक नोटिस को जो है। ये है आपका पब्लिक नोटिस, इसी को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, या मेरे पास में इस तरह से है, ठीक है। ये पब्लिक नोटिस 30 अप्रैल 2022 को, 2022 का ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा वीजीसी नेट एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF, साथ ही साथ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 82 सब्जेक्ट, ठीक है, 82 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लेती है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 अप्रैल 2022 से 20 मई 2022 तक, ठीक है, 30 अप्रैल। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस 20 मई 2022 है, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे और जो फीस लगेगा, फीस का भी जो है जो लास्ट डेट दिया हुआ है 20 मई 2022 है। यहाँ पर करेक्शन जस्ट अगले दिन होगा, यानी कि 21 मई से 23 मई तक। और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है, कौन कौन से शहर में होगा, उसको अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट भी जो है यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन दो शिफ्ट में होगा, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, अनरिजर्व जो हैं, ठीक है, उनके लिए 1100 रुपया फीस है, और EWS और OBC के लिए 550 है, SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 275 है। लेकिन जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 1000 रुपया रखना था, 1100 रखा हुआ है, और OBC के लिए 550 रुपये रखा है। जो SC ST, जो
दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 275 रखा है। इस बार जो है थर्ड जेंडर को भी जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर विदेशी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 जो मर्ज कर दिया गया है, ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है और इसके लिए वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाई द असेसिंग द एनटीए वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिएगा पूरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन को बड़ा सावधानी के साथ में आपको अप्लाई करना है, कहीं गलती ना हो इस बात को ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेट ग्लांस ये तो हमने पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है। उसके बाद में कुछ और देखेंगे। ये देखिएगा ये पूरा पहले जो बताया है वैसे ही यहाँ पर भी बता दिया है, ठीक है। वही चीज़ को बताया है, ठीक है। करेक्शन कब होगा यहाँ पर ये बताया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वही 3 घंटे का होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड शिफ्ट जो है एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा। ये सब चीज़ें जो है आपको बता दिया गया, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। फीस कैसे पे करना है इसको भी बता दिया गया है, ऑनलाइन पे करना है। स्टेप वन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जो है ओपन करोगे तब उसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपके नाम बताएगा वहाँ पर, पासवर्ड क्रिएट करना है। एक बात ध्यान रखिएगा जब आप लोग पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो एक डायरी में आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। नोट करना बहुत जरूरी है, बाद में बच्चे सोचता है कि अभी तो याद है बाद में भी याद रहेगा, नहीं। एक डायरी में नोट करना चाहिए और जिस डायरी में नोट कर रहे हैं वो डायरी भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी कागज़ मिलता है वहाँ पर नोट कर लेते हैं, बाद में फिर कहते हैं कि देखो सर ऐसा हो गया हमको तो भूल गए, ठीक है। यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में बताया है, स्कैंड इमेज आप कैंडिडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर द रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, या तो कलर हो या तो ब्लैक एंड वाइट हो, दोनों चलेगा। 80% फेस विदाउट मास्क, मास्क लगाकर आपको जो है, ठीक है, मास्क लगाकर फोटो नहीं खींचना है और आपका जो फेस है 80% दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, आपकी जो कान भी दिखाई देना चाहिए, विजिबल होना चाहिए आपकी कान, आपकी चेहरा ऐसे टेढ़ा करके नहीं, एक तरफ ऐसे टेढ़ा करके नहीं करना है, सीधा सीधा फोटो खिंचाना है। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं। स्टाइल नहीं मानना है, जैसे पासपोर्ट साइज का फोटो होता है वैसे ही आपको जो है। और ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो स्कैन साइज है फोटोग्राफ का वो 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए, ठीक है। ना इससे कम होगा ना ज़्यादा होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक बातें बता दिया गया है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर को भी जो है साफ साफ जैसे सिग्नेचर करते हैं वैसे ही सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। और उसको एक जगह नोट भी कर लीजिएगा, मैंने जो है ऐसे सिग्नेचर किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो फीस पटाने का तरीका है, नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, यूपीआई, पेटीएम सर्विस सारे सुविधा दे रखा है। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उसमें फीस लगेगा आपका जो है, यानी कि 1100 से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। पासवर्ड बनाने का तरीका भी यहाँ पर बताया है कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, उसके बारे में बताया है कि पासवर्ड जो है 8 से लेकर 13 करेक्टर का होगा और अलग अलग कैरेक्टर होगा। अलग अलग कैरेक्टर रखोगे तो कोई भी जो है आपका यूज नहीं कर पाएगा। केवल आप अपना नाम मत लिखिएगा या आपके मोबाइल नंबर नहीं लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे बताया गया वैसे ही आपको अपलोड करना है। तो अब मैं थोड़ा सा सूचना दे दूँ कि एग्जामिनेशन कब हो सकती है। देखिए
फॉर्म भरने का इस बार समय कम दिया हुआ है, 20 दिन का समय दिया हुआ है, लेकिन 1 महीने का समय देता है और पढ़ने के लिए 2 महीने का समय देता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 मई लास्ट डेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 20 जुलाई के आसपास ही एग्जामिनेशन होगा, 20 जुलाई के बाद। ठीक है, 2 महीने का समय देना जरूरी होता है, नहीं दिया है तो ये एक प्रकार की खामी माना जाएगा, चूक माना जाएगा, एक प्रकार की एनटीए का जो चतुराई माना जाएगा, लेकिन 2 महीने का समय पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया है, 20 मई को लास्ट डेट रखा है और 20 जून 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई के बाद ही एग्जामिनेशन होगी, इसके पहले एग्जामिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग भी जो है जरूर एनटीए को यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोलेंगे, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरा मेरा यूट्यूब चैनल कोई ना कोई एनटीए के लोग जो है देखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, आज नहीं बल्कि मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ ये हो रहा है। तो इसीलिए जो है मैं एनटीए से भी निवेदन करता हूँ कि बच्चों को 2 महीने का पढ़ने का अवसर दिया जाए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बताऊंगा। जेआरएफ के लिए मिनिमम जो एज लिमिट है उसके बारे में बताऊंगा, और क्या क्या पैटर्न दिया हुआ है उन सब के बारे में एक बार हम लोग देखेंगे। मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।